वेलकम बैक माय बेसिक क्लास। तो पिछले वीडियो में हमने आपको भिन्न का जोड़ सिखाया था और घटाव सिखाया था। इस वीडियो में हम आपको भिन्न का गुणा और भाग सिखाएंगे। तो हमने दो सवाल यहाँ पर लिख के रखे हैं, ये है हमारा भिन्न का गुणा और ये है भाग। तो गुणा से शुरू करते हैं। तो गुणा है हमारा 2 सही 3/5 गुणा 4 सही 3/3। तो इसको सरल करते हैं, यहाँ से 2 हटाना है हमको और यहाँ से 4 हटाना है। तो सरल करने का तरीका वही है, हर का गुणा सही में करना है और अंश को जोड़ना है। तो 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 × 2 = 10 और 3 = 13 हो गए। और हर को ज्यों की त्यों लिख देना है, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा लिया। ऐसे ही हर का गुणा सही से और अंश को जोड़ना है। तो 3 × 12, 12 × 3 = 15 और बटे में 3 ज्यों के त्यों आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, अंश का गुणा अंश से करना है, हर का गुणा हर से करना है। तो 13 × 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 195। आप अलग से गुणा कर सकते हो। और 3 × 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो ये आ चुका है 195/15। अब इसको हम काटते हैं, 195/15 को काटेंगे। काटने का एक ही तरीका है, जिस संख्या में आप 195 से भाग दोगे उसी में उसी संख्या से आपको 15 में देना पड़ेगा। तो यहाँ हम काटते हैं इसको 5 से, तो 195 5 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 39 बार, और 15 में 5 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 3 बार। फिर से कट रही है ये संख्या, तो 3 से ही काटते हैं हम, 3 से 39 में देंगे तो 13 बार, और 3 से 3 में देंगे तो 1 बार। तो ये 13/1 इसका आंसर आ चुका है गुणा का। अब आते हैं हम भाग की तरफ। तो भाग है हमारा 3 सही 4/2 भाग 3 सही 5/3। तो पहले इसको सरल करते हैं। सरल करने के लिए हमें यहाँ से 3 हटाना है और यहाँ से भी 3 हटाना है। तो हर का गुणा करेंगे सही में और अंश को जोड़ेंगे तो 2 × 3 = 6 और 4 = 10। हर को ज्यों की त्यों लिख देंगे 2। ऐसे इसको भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा लिया। ऐसे इसको सरल करेंगे, 3 × 3 = 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14/3 हर ज्यों की त्यों आ गया। अब आपको क्या करना है, पहली वाली संख्या को ज्यों की त्यों लिख देना है, जो है जितनी, भाग की जगह पर आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है। और इस वाली संख्या को उल्टा कर देना है, तो 14/3 है तो यहाँ कर देना आपको 3/14। अब देखिए ये भाग का हो चुका है गुणा। अब आपको क्या करना है, आपको वही गुणा वाला प्रोसीजर करना है, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो अंश का गुणा अंश से करेंगे तो 10 × 30 हो जाएगा, और हर का गुणा हर से करेंगे तो 14 × 2 = 28 हो गया। अब इसको काट देते हैं हम, 2 से ही काटेंगे तो 2 से 30 = 15 बार कट गई, और 2 से 28 = 14 बार कट गई। ये आ चुका है हमारा 15/14। अब इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो सही बटे में, अब अगर आपको इसको लिखना है तो 14 का भाग आपको 15 में देना पड़ेगा। ये तो आ गया आपका सरलतम भिन्न के रूप में। अगर सही बटे में आपको लेना है तो 14 का भाग आपको 15 में देना है, तो 14 का भाग 15 में देंगे तो 1 बार गया, और जो शेष बचता है उसको ले जाते हैं अंश के रूप में, और जिससे भाग देंगे उसको ले आते हैं हर के रूप में। तो ये आ चुका है हमारा 1 सही 1/14। तो दोनों सवाल यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलूँगा अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।